तो हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन किए थे, तो अब हमें एक्सरसाइज 1.2 शुरू करनी है। लेकिन उससे पहले हम उसके टॉपिक्स क्लियर कर लेंगे। तो उसके टॉपिक्स में सारे टाइप्स ऑफ सेट्स ही आएंगे, जैसे टाइप्स ऑफ सेट क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 1.2 के। ठीक है, तो 1.2 स्टार्ट करने से पहले हम ये टाइप्स ऑफ सेट कर लेते हैं। और अगर आप मेरी वीडियो को, ये मेरी आपके लिए फर्स्ट वीडियो है, तो हाय, आई एम मुस्कान सलमानी, वेलकम टू माई चैनल मैथ्स टैक। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक्स, टाइप ऑफ सेट्स। तो फर्स्ट सेट है हमारा एम्प्टी सेट, जिसको नल और वॉइड सेट ही बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, सेम ही है, एम्प्टी, नल और वॉइड सेट। इसको हम डिफाइन करते हैं फाई से। फाई मतलब हमारा ये डिनोट करता है कि ये सेट हमारा एम्प्टी है। तो अगर हमारे सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि इसमें फाई है, उसका फाई एलिमेंट है, फाई से बिलोंग करता है। ठीक है, क्योंकि वो एम्प्टी सेट है, पर उसे हम ये मानते हैं, अज्यूम करते हैं कि फाई उससे बिलोंग करता है। तो कभी एम्प्टी होने के बावजूद भी इसमें फाई से बिलोंग करेगा ही करेगा। ठीक है, तो हम इस टॉपिक के एग्जांपल्स देख लेते हैं, ताकि हमें ये टॉपिक क्लियर हो जाए एम्प्टी सेट का। तो ये मैंने सेट बिल्डर फॉर्म ले लिए। हमारे एक्स की वैल्यू 12 से बड़ी और इससे छोटी है, 12 से बड़ी और 13 से छोटी है। अब देखो, पॉइंट्स से वैल्यू नहीं ला सकते हैं सेट में हम, क्यों? क्योंकि हमारा जो एक्स है नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में पॉइंट्स में नहीं आता कुछ भी। ठीक है, कंप्लीट रहता है। तो 12 के बाद सीधा वहाँ 13 आता, तो इसका मतलब ये सेट हमारा एम्प्टी सेट है। एग्जाम्पल हो गया इसका एम्प्टी सेट का। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं, एक्स की वैल्यू है ग्रेटर देन 12 और एक्स एक्स इज द नंबर ऑफ मंथ इन अ ईयर। तो अब देख लो, हमारे मंथ मतलब एक्स की वैल्यू 12 से बड़ी भी है, और एक्स नंबर ऑफ मंथ, हमारे ईयर में नंबर ऑफ मंथ्स कितने होते हैं? 12 होते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं होते, इससे कम बोले तो कम ले लेते हैं, पर 13 तो नहीं ले सकते ना, इसलिए हमारे ये फाइव एम्प्टी सेट है। ठीक है, और ये एग्जांपल देखो, चलो ये तो मैं बाद में कराऊंगी आपको वीडियो के एंड में। तो सेकंड हम देखते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में सिंपली हमें वैल्यू फाइनाइट देते हैं, इसमें आप इन्फिनिट तक वैल्यू नहीं जाती। सिंपल है, मैंने आपको बता दिया कि 1 to 10 जा रही है। ठीक है, वन, मैंने आपको ये नहीं बोल रहा कि ऑल इंटीजर्स या ऑल नेचुरल नंबर, बस हम एक लिमिट देते हैं कि हमें यहाँ पर रुकना है। जैसे हम यहाँ से इसका एग्जांपल देखेंगे, एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स की हम देखो यहाँ पर बता दिए कि इसकी वैल्यू 10 से तक जाएगी और 10 से छोटी, 10 के इक्वल और 10 से छोटी, लेस देन और इक्वल टू 10। तो हम ले लेंगे 1 से लेके अप टू 10। तो ये हमारा फाइनल सेट का एग्जाम्पल है। अगर हम यहाँ पर ये चीज़ नहीं बताते, ये सिचुएशन ही नहीं देते, तो सीधा हम बोलते हैं एक्स इज नेचुरल नंबर, तो हमारा अप टू इन्फिनिटी तक वैल्यू जाती है, वो हमारा इनफाइनाइट सेट होता है, फाइनाइट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इनफाइनाइट सेट्स। तो इनफाइनाइट सेट में मेरे को आपको होल नंबर्स के एग्जाम्पल्स बता देती हूँ। होल नंबर्स मैं ले लेती हूँ, आपको एग्जाम्पल थोड़ा ईजी होगा समझाना। तो होल नंबर्स हमारे 0 से शुरू होते हैं, 0 से लेके अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, तो मैंने ये एग्जाम्पल सही है, इसको अंडरस्टैंड करेंगे, इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। अब मुझे नहीं पता ना इसकी वैल्यू कहाँ तक जा रही है इन्फिनिटी की। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट सेट, जहाँ हमें इसका एंड नहीं पता कि कहाँ पर ये रुकेगा, कहाँ तक इसके इस सेट में वैल्यू आएगी, इनफाइनाइट सेट हो गया। इक्वल सेट्स, इक्वल सेट में देखो, अगर सेट 1 है और सेट 2 है, दोनों की वैल्यू सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, तो इक्वल सेट होते हैं। हाँ, ये कि नंबर इसमें मतलब कैसे अकर हो रहा है, अगर हमारा 1, 2, 3 है और सेट ए में और अगले में 3, 2, 1, तो इससे ये मैटर नहीं करता कि हमने 3 पहले ले लिया और 2 पहले ले लिया। तो इक्वल सेट में हमारा जैसे सेट ए है और सेट बी है, दोनों तभी इक्वल होंगे अगर इनमें नंबर जो एलिमेंट्स है ना वो सेम है। ये उनका चाहे अकरेंस जैसे मर्जी हो, हमारे कोई एलिमेंट पहले लिख दिया कोई बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3, 2, 1 ले लेती हूँ मैं, एक सेट एक ले लेती हूँ, 1, 2, 3। ठीक है, तो दोनों सेट हमारे इक्वल होंगे, बेशक हमने 3 पहले ले लिया और 2 बाद में और 1 बाद में उसके बाद, और नेक्स्ट सेट में हमने 1, 2, 3 ले लिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा पहले क्या रहा बाद में क्या, तो वह इक्वल होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ये जो मैंने बताया वही है, सेट 1 है हमारा 5, 4, 3, 2, 1, सेट बी है हमारा 1, 2, 3, 4, 5। तो देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे अकरेंस से कैसे ये पहले क्या आ रहा है, बस हमें वो एलिमेंट इसमें भी प्रेजेंट होने चाहिए, इसमें भी, सेट 1 में भी, सेट 2 में भी। तो ठीक है, ये इक्वल है। तो मैंने ये थोड़ा सा लेटर्स ले लिए हैं, ताकि इसमें क्लैरिफिकेशन हो पाए और अच्छे से, अगर नंबर से ना हुई हो तो। मैंने फर्स्ट सेट ए में मैंने लेटर्स डाल दिए, फिर फर्स्ट इसमें वर्ड डाल दिया मैंने,
SAVI, ठीक है, ये मैंने से वो डाल दिया लेटर। ठीक है, तो हमने इक्वल सेट्स में ये वाला एग्जांपल हो गया हमारा। अब हम देखते हैं ये वाला, जैसे ये वाला वर्ड इसमें डाल दिया मैंने SAVI करके लिख दिया इसमें, और इसमें ASIV, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं ए पहले लिखूँ या ए बाद में, ठीक है, तो ये भी इक्वल सेट है। अब हमारा नेक्स्ट है यूनिट और सिंगलटन सेट। यूनिट आपको पता है वन के लिए यूज़ होता है, सिंगलटन में सिंगल एलिमेंट को बता रहे हैं। दोनों नाम से इसको हम डिनोट कर सकते हैं, या तो यूनिट सेट बोल सकते हैं या सिंगलटन सेट बोल सकते हैं। सिंपल बात इसमें इसमें हमारा एलिमेंट जो वो एक आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा देखो, और हम सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करते, हम उसको एक ही बार लिख सकते हैं। हमने वन 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 करके, मैं इस तरह नहीं लिख सकती इसको, मैंने इसको एक ही बार, ये मतलब ये इसका अच्छा एग्जांपल है। मैं इसमें टू 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 भी लिखती जाऊँगी और थ्री थ्री थ्री, तो वो हमारा सिंगलटन सेट ही होगी। हम लिख इसको हम एक ही बार लिख सकते हैं, रिपीट नहीं कर सकते, ये हमारा सिंगल एलिमेंट ही है, चाहे इसको जितनी मर्जी बार लिख दिया हमने इसमें। और ये हमारा देखो, मैंने आपको पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन दिया था, वो मैं आपने आपको सॉल्व नहीं कराया थी। चलो वीडियो के एंड में कराती हूँ, उसी के साथ ही सारे ब्रेसेस कर्ली ब्रेसेस भी कराती जाऊँगी। तो ये देखो, ये भी हमारा सिंगलटन सेट है, क्यों? क्योंकि इसमें फाइव मैंने बताया था ना, फाइव आएगा, तो इसमें फाइव अभी भी आएगा। तो हमारा ये भी सिंगलटन का काफ़ी अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि मैं बता रहा ना एम्प्टी सेट में भी हमारा एक एलिमेंट होता है, वो होता है फाइव। तो है तो एक एलिमेंट इसमें, तो ये सिंगलटन का अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे जीरो लिख दिया, जीरो मतलब ये नहीं हुआ कि ये नल या वॉइड सेट है, वैल्यू जीरो की वैल्यू जीरो होती है, मतलब वो नथिंग के बराबर है, पर है तो ये एलिमेंट ही सेट के अंदर, तो ये इस वक्त सिंगलटन सेट है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट देखते हैं सब सेट। सेट के लिए देखो, एक एक हमारा सुपर सेट होगा, तो उसमें सारे एलिमेंट्स आएंगे हमारे। तो जो सब सेट है वो सेट होगा हमारा, जो सुपर सेट के कुछ एलिमेंट्स उस सब सेट में भी आते होंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, तो हम बोल सकते हैं कि वो जो सब सेट है वो सुपर सेट का एलिमेंट्स उसमें आ रहे हैं, तो वो सब सेट है। तो एग्जांपल देख लेते हैं हम इसका। मेरा एक सेट है 1 2 3 4 5, और मेरा सेट बी है अप टू 8, 1 2 अप टू 8, ठीक है। जैसे हम देख सकते हैं 1 2 5 इसकी वैल्यूज आ रही हैं, और 1 2 5 इसमें ये इस सेट की पूरी वैल्यूज इसमें आ रही है 5 तक, ठीक है। तो ये ए हम बोल सकते हैं ए जो है वो बी का सबसेट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रॉपर सबसेट। देखो, प्रॉपर सबसेट को हम दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इसमें सबसेट का भी सिंबल यूज़ सबसेट का भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं, और सिंपल इसका खुद का भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों सिंबल से हम इनको डिनोट करते हैं। प्रॉपर सबसेट में हमारा मतलब हमारा जो सुपर सेट होगा ना, उसका एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा हो जो हमारे सबसेट में ना आता हो, तभी हमारा प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक है। एटलीस्ट एक एलिमेंट। अब देखो, ऐसा भी हो सकता है कि मेरा ये, मैं इसको दो, ये मेरे वन ये वन मतलब हमारा 1 to 5 तक ना, ये जो हमारा सेट ए है ये खुद का भी सबसेट है, क्योंकि 1 to 5 एलिमेंट इसमें खुद में ही आ रहे हैं। 1 to 5 इसके खुद के हम ले भी सकते हैं। तो मतलब जो हमारा एक सेट होता है ना, वो खुद का सबसेट भी होता है, ठीक है। लेकिन प्रॉपर सबसेट के लिए एक कंडीशन रख दी हमने कि एटलीस्ट एक एलिमेंट हो जो हमारा उसके सबसेट में ना आता हो, तो वो प्रॉपर सबसेट होगा। मेनली हम इसको इस सिंबल से डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब मैंने इसमें नेचुरल सेट और होल नंबर्स का एग्जांपल ले लिया। देखो, नेचुरल नंबर्स में 1 to infinity जाते हैं, होल नंबर्स में जैसे एक जीरो ही आ जाता है, तो हम बोल सकते हैं ना कि एन हमारा होल नंबर्स का सबसेट भी है, और एन हमारा प्रॉपर सबसेट, ये मतलब ये हमारा प्रॉपर सबसेट भी है, ठीक है। एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा जो इसमें नहीं आता। तो नेक्स्ट है हमारा पावर सेट। तो पावर सेट हमारा जो सेट, वो सेट होता है जो हमारा प्रॉपर जितने भी सबसेट बनेंगे ना, उनका सेट कंटेन करता है। कि मेरा एक सेट है, मैं इसके प्रॉपर इसके मैं सबसेट बनाना चाहूँ, मैं इस जैसे हमारा सेट ए है, मैं इसमें से 1 भी निकाल सकती हूँ अलग से, 1 2 भी निकाल सकती हूँ, 3 1 भी निकाल सकती हूँ, 2 3 भी निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो लेकिन इसकी जितने भी सबसेट होंगे ना, उनको जो कंटेन करेगा वो हमारा पावर सेट होगा, ठीक है। और देखो, फाइव इसमें मैंने इसलिए मैंने कहा था ना, कोई एलिमेंट हमारा जिसमें कोई एलिमेंट नहीं भी होगा ना, उसमें फाइव हमेशा होगा ही होगा, ठीक है। तो इनमें इनके साथ फाइव भी प्रेजेंट है, इसलिए हमने इसका एक सबसेट तो लिया फाइव, क्योंकि फाइव इस सेट से बिलोंग करता है। एक सबसेट हमने इसका 1 2 3
वन टू वन थ्री, टू थ्री वन टू थ्री, ठीक है। तो जितने भी इसके सेट, जितने भी सबसेट बन सकते हैं ना, वो सारे जो कंटेन करेगा वो पावर सेट है, और पावर सेट को हम पी से डिनोट करते हैं, पी ऑफ ए, ठीक है। यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट हमारा वो सेट होता है जो हमारे जितने भी प्रॉब्लम में गिवन सेट्स हैं उनको कंटेन करे, ठीक है। तो सारे जितने भी गिवन सेट है इसके सबसेट हो सकते होंगे वो, तो वो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है। तो ये पावर सेट से थोड़ा अलग होता है, इसको पावर सेट, और इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। पावर सेट क्या है, जो वो सेट है जितने भी एक सेट के सबसेट बन सकते हैं वो उन सेट्स को कंटेन, उन सबसेट को कंटेन करता है। पर ये जो है हमारा यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट है सारे सेट्स को कंटेन कर रहा है, ना कि इनके सबसेट को, ठीक है। तो मैंने इसका एग्जाम्पल लिया है, वन मैंने यूनिवर्सल सेट में लिए वैल्यू हमने 1 to 8। अब इसके मैंने सबसेट निकाल, मतलब इसमें से अब हमें और सबसेट भी दिए ए बी सी। तो आप देख सकते हैं कि इसके सारे एलिमेंट्स ए बी और सी, तीनों के एलिमेंट्स इसमें आते हैं यूनिवर्सल सेट में, ठीक है। तो ये सारे सेट को कंटेन करेगा अपने अंदर, ना कि सबसेट को, तो ये यूनिवर्सल सेट होगा। तो हम बोल सकते हैं ए बी और सी तीनों इससे बिलोंग कर सकते करते हैं यूनिवर्सल सेट से, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ए बी सी हमारे यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करते हैं, तो यूनिवर्सल सेट के सबसेट से, ठीक है। ये इसके सबसेट होंगे यूनिवर्सल सेट के, लेकिन पावर सेट, और इसमें थोड़ा तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ओके, तो इसको हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 1.2 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो यहाँ पे जस्ट हमने इसके टॉपिक्स कवर अप किए हैं। ओके, तो अब हम वो क्वेश्चन देख लेते हैं जो मैंने पिछली वीडियो में छोड़ दिया था आपके लिए। मैंने कहा था ना कि ये क्वेश्चन ट्राई ज़रूर करना, इससे आपको प्रैक्टिस होगी अच्छे से अंडरस्टैंड। तो देख लेते हैं क्या था वो क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन था 5 बिलोंग्स टू दिस सेट, गिवन सेट, तो ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये फॉल्स है। फॉल्स क्यों है ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि देखो जो 5 है वो इस इन दो ब्रैकेट्स के अंदर है, इसके अंदर भी जो ब्रैकेट्स है, ठीक है। तो इसका जो बिल, हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये बिलोंग्स टू दिस सेट, ठीक है। तो ये बिलोंग करता है पूरा, ये एक एलिमेंट है, इतना ब्रैकेट्स के अंदर 5 जो है ना ये एलिमेंट है, ना कि जो अकेला 5, ठीक है। तो ये पूरा एक एलिमेंट है इन ब्रैकेट्स के अंदर, तो इस वजह से ये इसको बिलोंग करता है कि सिंगल 5 बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये फॉल्स था क्योंकि इससे बिलोंग ये करता है। इससे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी आपकी, मैंने आपको इसलिए दिया था क्योंकि एकदम से देखते ही माइंड में ये आता है ना कि इसे 5 बिलोंग करता है सेट को, ये ट्रू है। नहीं, ऐसा नहीं है कि ये ना जो ब्रैकेट्स के इन दो आउटर साइड वाले वेरी आउटर साइड के ब्रैकेट्स है ना, इनके अंदर जो और ब्रैकेट्स है फिर इसके अंदर 5, तो ये पूरा एक एलिमेंट है यहाँ तक, ठीक है, इन ब्रैकेट्स के अंदर तक। तो इस वजह से ये पूरा बिलोंग करता है इसको सेट को, ना कि अकेला 5, ठीक है। ये था ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो हमने और ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चन छोड़ दिए थे वो क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था, हमने ये क्वेश्चन छोड़ दिया था। तो इसमें देखते ही माइंड में ये आ रहा है कि हाँ ये एम्प्टी सेट है ना, लग रहा है ना, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट गिवन नहीं है। तो अब देखो, वैसे मैंने ये कहा था सबसे वेरी आउटर साइड की जो ब्रेसेस होंगी ना, इनके अंदर हमें देखना क्या है, इसके अंदर फिर से ब्रैकेट से, इसका मतलब ये पूरा एलिमेंट है ना, ठीक है। तो ये जो है दोनों ब्रैकेट्स, दोनों कर्ली ब्रैकेट्स, तो ये है इसका एलिमेंट्स। तो ये वॉइड या नल सेट नहीं है, ये सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट अभी भी है ये पूरा, ठीक है। इसको सिंपल कर, अगर हाँ ये, इसको अलग अलग कंसीडर मत करना, अगर इसमें कोमा होता ना तो इसको अलग अलग कंसीडर कर सकते थे हम, पर ये भी एक एलिमेंट माना जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के क्वेश्चन है। तो ये था, मैंने बताया था ना आपको कि ये सिंगल टन का एग्जाम्पल अभी हमने जस्ट से किया है, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है ये, है ना। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, क्योंकि इसमें 5 रहेगा, इसके अंदर 5 है, तो ये सिंगल टन का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अगर आपको कुछ समझ आया, लगता है कुछ यूजफुल था, तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।